उपायुक्त नमन प्रियस लखड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को डीसी ऑफिस सभागार में चुनाव कार्यों को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठित किए गए एएमएफ सेल के कार्यों के अलावा अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। सभी कोषांगों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। डीसी ने भारत निर्वाचन आयोग से उनके कोषांग के संबंधित जरिए किए गए मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लेने एवं कार्यों के दौरान निर्वाचन आयोग से जारी सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी दीपक कुमार दुबे व सभी कोषांगों के अधिकारी मौजूद थे। हम लोग विभिन्न कोषांगों की समीक्षा के क्रम में आज एएमएफ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की भी समीक्षा कर रहे हैं। मतलब जो न्यूनतम जो सुनिश्चित जो हम लोग किसी भी प्रकार का लोगों को फैसिलिटी देना है, चाहे वो हमारे पोलिंग स्टेशन्स हो, हमारे पुलिस क्लस्टर्स हैं और हमारे जो ISR इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम हैं, तो हम लोग हमारे जितने भी इंजीनियरिंग विभाग हैं सभी को हम लोगों ने इसमें लगाया है। हमारे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को, हमारे सभी वीडियोज़ से हम लोगों को ये फीडबैक प्राप्त हो रहा है कि कहाँ पे पानी का या पेयजल का, शौचालय का, बाथरूम की कमी है और इसको हम लोग लगातार यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी मतदाताओं से ये अपील करेंगे कि चूँकि ग्रीष्म काल का भी आगमन हो चुका है, गर्मी का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन हम लोग बेहतर से बेहतर प्रावधान ये कर रहे हैं। 15x15 मीटर का टेंट भी लगेगा और लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो लोग अपने संबंधित पोलिंग स्टेशन में जाके कंफर्टेबली वहाँ पे रुक कर मतदान कर सकें।